हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेरिब्रल एम्बोलिज्म। तो गाइस, एम्बोलिज्म से मतलब मेरा ये है, इसको उर्दू में पहले तो तशद्दुद दिमागी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तशद्दुद दिमागी। तशद्दुद क्यों बोलते हैं? तशद्दुद जो है सुद्दा की जमा है तशद्दुद, ठीक है। अब सुद्दा किसको बोलते हैं? सुद्दा बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन को, ठीक है। सुद्दा बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन को। सुदा, खाली सुदा बोलते हैं हेडेक, ठीक है। सुदा सुदा बोलते हैं हेडेक, और सुद्दा सुद्दा जहाँ होगा उसे बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। तो सुद्दा से ही बना तशद्दुद, दिमागी मतलब दिमाग का, ठीक है। सेरिब्रल मतलब सेरिब्रम के अंदर एम्बोलिज्म होना। एम्बोलिज्म मतलब एम्बुली से बना एम्बोलिज्म, ठीक है। एम्बुली किसको बोलते हैं? एम्बोलिज्म मतलब कोई ब्लड क्लॉट जो आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, आर्टरी को बंद कर दे, ठीक है। किसकी? सेरिब्रम की, यानी कि ब्रेन के अंदर हमारे, ठीक है। अब ये होता क्या है एक्चुअली, सेरिब्रल थ्रम्बोसिस में और सेरिब्रल एम्बोलिज्म में क्या फ़र्क है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो वो मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा। तो सेरिब्रल थ्रम्बोसिस क्या होता है? देखो, सबसे पहले होता है सेरिब्रल हेमरेज, ओके। सेरिब्रल हेमरेज मतलब ब्लीडिंग हो गई, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई सेरिब्रम के अंदर, ओके। दूसरा है सेरिब्रल थ्रम्बोसिस। सेरिब्रल थ्रम्बोसिस में क्या होता है कि ब्लड की हेमरेज होने के बाद ब्लड वहां पे क्लॉट हो गया, ओके। अब सेरिब्रल एम्बोलिज्म क्या है? सेरिब्रल एम्बोलिज्म का मतलब ये है ब्लड कहीं और क्लॉट हुआ बॉडी में, या फिर ब्रेन के अंदर ही क्लॉट अगर हुआ, ठीक है, तो वो वहां से निकल के उसका एक छोटा टुकड़ा किसी दूसरी आर्टरी में जाके फंस जाए, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, उसको बिल्कुल बंद कर दे, उसका रास्ता वहां पे ब्लड ब्लड सर्कुलेशन को रोक दे, उसको बोलते हैं सेरिब्रल एम्बोलिज्म, ठीक है। अब ये बॉडी में कहीं पे भी, चाहे वो तुम्हारे पैर के अंदर, हाथों के अंदर, या हार्ट के अंदर, या कहीं भी बॉडी में किसी ऑर्गन के अंदर हेमरेज हुआ, ठीक है, और वहां पे थ्रम्बोसिस हो गया, और थ्रम्बोसिस होने के बाद वहां से एक छोटा टुकड़ा सर्कुलेट हो गया और ब्रेन के अंदर जाके फंस जाए, तो उसको बोलेंगे सेरिब्रल एम्बोलिज्म। या फिर ब्रेन के अंदर ही किसी दूसरी आर्टरी में से निकल के किसी दूसरी आर्टरी में जाके जो है वो फंस जाए, तो उसको बोलेंगे सेरिब्रल एम्बोलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे डेफिनेशन में भी वही चीज बता रहा है। देखो, दिमाग के किसी एक या कई शरीयानों में तशद्दुद हो जाए, एक या कई शरीर, एक में या किसी दूसरी शरीयानों यानी कि आर्टरीज, शरीयान बोलते हैं आर्टरीज, आर्टरीज में तशद्दुद यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो उसे तशद्दुद दिमागी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तशद्दुद दिमागी कहते हैं। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके कॉजेज क्या हैं, यानी कि अस्बाब। तो गाइस, इसके अस्बाब की अगर बात करी जाए, तो सबसे पहले तो क्या है, ये कहना चाह रहे हैं कि दिमाग की किसी दमवी परवरिश करने वाली किसी एक या कई शरीयानों में, यानी कि जो दिमाग की दमवी परवरिश कर रहे हैं, जो दिमाग को ब्लड ब्लड पहुंचाने के काम कर रही हैं वो आर्टरी, उसमें किसी एक में या कई कई शरीयानों में यानी कई आर्टरीज में तशद्दुद हो जाए, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यानी कि एम्बोलिज्म फंस जाए, तो जिसकी वजह से क्या है, दिमाग में किल्लत दम हुआ करता है, ठीक है। किल्लत दम बोले तो यानी कि इस्चीमिया हो जाता है वहां पर, ओके, हुआ करता है। और ये अक्सर किस किस में हुआ करता है? 55 से 75 ईयर्स की एज में हुआ करता है। 55 से 75 ईयर्स के जो लोग होते हैं उनमें ज्यादा हुआ करता है। इसके अलावा उसके क्या क्या कोज हैं, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस है, 60 से 70% यही इसका जिम्मेदार होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में आप सबको मालूम होगा, आपने ये पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में मिलता है पैथोलॉजी सब्जेक्ट। उसमें पढ़ा होगा आपने एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो हमारे हार्ट की जो आर्टरी है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ओके। तो उसकी वजह से होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब यानी बॉडी में कहीं पे भी अगर एम्बोलिज्म हो जाए किसी भी अदर ऑर्गन में, और वो जाके फिर ब्रेन में फंस जाए, जो कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, तो उसकी वजह से भी होता है आर्टराइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द आर्टरी इज कॉल्ड एज आर्टराइटिस। तो आर्टराइटिस जैसे इन्फार्क्ट हो गया या इस्चीमिया हो गया, ठीक है, इन्फार्क्ट और इस्चीमिया। इन्फार्क्ट इन्फार्क्ट मतलब वही, इसी के बारे में बताना, यानी कि जो इन्फेक्शन हो जाता है हमारी आर्टरीज में, इन्फार्क्ट हो गया, और इस्चीमिया यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, तो जिसकी वजह से वहां पे जो है ये गड़बड़ पैदा हो जाती है। उसके बाद एन्यूरिज्म, यानी कि आर्टरी का फूल जाना, आर्टरी अगर फूल गई, और ये खास तौर से किस में होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी बहुत जिम्मेदार होती है सेरिब्रल एम्बोलिज्म के लिए, ठीक है। तो कैरोटिड आर्टरी बहुत इसके लिए खास जिम्मेदार है। तो एन्यूरिज्म हो गया खास तौर से किस में, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कैरोटिड आर्टरी में, तो कैरोटिड आर्टरी की वजह से क्या होता है, सेरिब्रल एम्बोलिज्म हो जाता है, ओके। कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब है यानी कि बार बार वहां पे कुछ जो आर्टरी है वो दब रही है, आर्टरी दब गई, दबने की वजह से क्या वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो क्या होगा, ब्लड वहां पे क्लोट हो जाएगा, क्लोट होकर वहां पे क्या होगा,
क्लोट होने के बाद वहाँ पे ब्लड जम गया। जमने के बाद वहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा निकल के, खून का जमा हुआ टुकड़ा निकल के कहीं और जाके फंस जाएगा आर्टरी में। और ब्रेन के अंदर बहुत बारीक बारीक आर्टरीज होती हैं, तो बहुत छोटा सा टुकड़ा भी काफ़ी होता है, बाल के जितना बारीक बारीक होती है। तो इतनी बारीक आर्टरीज के अंदर कहीं पर भी जाके फंस सकता है, तो वो होता है। उसके बाद होता है OCPS। अब ये क्या चीज़ है? OCPS क्या होता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो फीमेल यूज़ करते हैं कॉन्सेप्शन के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो उसके उसमें जो है ये यूज़ किए जाती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओके, तो ये सारे इसके कॉजेज हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम इसके देखते हैं अलामत क्या होंगे यानी कि साइन सिम्टम्स। तो गाइज, अलामत अगर की हम बात करें यानी कि साइन सिम्टम की, तो अलामत यानी साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले है इसके अंदर TIA। TIA मतलब ट्रांसेंट इस्चिमिक अटैक। ओके, इस किस्म में मरीज अचानक गिर पड़ता है और चंद मिनट में ठीक हो जाता है। ठीक है, चंद मिनट में क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। तो ये हो गया TIA, ट्रांसेंट इस्चिमिक अटैक। उसके बाद आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक में क्या है? दिमाग के हेमोरेज या इन्फार्क्ट से आसाबी फेल का बंद हो जाना स्ट्रोक कहलाता है। दिमाग के हेमरेज, ठीक है, या इन्फार्क्ट से आसाबी फेल का बंद हो जाना। आसाबी यानी कि दिमाग दिमाग में क्या हेमरेज हुआ या इन्फार्क्ट हुआ। इन्फार्क्ट होने से क्या हुआ? आसाबी फेल यानी कि जो नर्व है, नर्व का फंक्शन गड़बड़ हो गया, वो बंद हो गया, जिसकी वजह से क्या है? स्ट्रोक हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या है? TIA जो होता है ये ट्रांसेंट इस्चिमिक अटैक, TIA के मुकाबले में स्ट्रोक का हमला, स्ट्रोक ये वाला, ठीक है, TIA के मुकाबले में स्ट्रोक का हमला मुस्तकिल और बार बार होता है। ठीक है, मुस्तकिल यानी कंटिन्यूस होता है और बार बार होता है, और हर बार इसकी शिद्दत क्या है? बढ़ती जाती है। इसमें क्या है? इलाज से मरीज को आराम भी हो सकता है, और इसमें इन्फार्क्ट होने की वजह से या इन्फार्क्ट ज़्यादा शदीद होने की वजह से क्या है? मरीज की हलाकत भी हो सकती है यानी उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और अगर ये मीडियल सेरिब्रल आर्टरी होती है उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो जिस्म की जो मुखालिफ जानिब यानी कि अपोजिट साइड में क्या होगा? फालिज हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही चीज़ दिमाग का ऊपरी हिस्सा जो होता है, ऊपरी नस हिस्सा, आधा हिस्सा, ठीक है, ऊपर का आधा हिस्सा अगर उसमें हो जाए ऑब्स्ट्रक्शन उसकी किसी आर्टरी में, तो इंसान जो है बोल नहीं पाता है। फिर उसकी जो है क्या बोलते हैं, जुबान की जितनी जो नर्व सप्लाई होती है वो सब गड़बड़ हो जाती है, और इंसान जो है बोल नहीं पाता, उसकी आवाज़ चली जाती है। ठीक है, अब इसका इलाज कैसे करेंगे? तो गाइज, इसका यूनानी में तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन मॉडर्न में इसका इलाज ये है कि एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि जो ब्लड को जमने से रोकती हूँ, ब्लड को जमने से रोकती हूँ, उसको क्लोट होने से रोकती हूँ, तो उसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। तो वो हैं एस्पिरिन और हेपरिन। ठीक है, एस्पिरिन और हेपरिन, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। दोनों इंजेक्शंस हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनके कंपाउंड फॉर्मुलेशन करके और पेशेंट को दे देंगे, ताकि उसका ब्लड जो है बॉडी में कहीं पे भी क्लोट ना हो और वो पतला रहे, ये दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, और ABG जो था आर्टेरियल ब्लड गैस, उसका जो हम सैंपल लेते हैं उसमें भी हम हेपरिन का यूज़ करते हैं, 0.1 ml लेते हैं, ताकि ब्लड क्लोट ना हो, लैब पे टेस्ट करने के लिए जब जाते हैं लेके इसको। तो ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर बताया है, लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि ब्लड क्लोट ना होने से रोकने के लिए जो है हम हेपरिन का थोड़ा सा लिक्विड लेते हैं, ताकि ब्लड क्लोट ना हो। ठीक है ना, जो सैंपल लेते हैं हम ABG, आर्टेरियल ब्लड गैस यानी आर्टरी से ब्लड लेते हैं, तो ये होता है। तो ये हमको जो है यूज़ करना रहता है एस्पिरिन और हेपरिन कंपाउंड फॉर्मुलेशन। ओके, तो बस ये इतना ही इसका इलाज होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।